श्याम सुंदर बत्रा, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद जमुनानगर, और देखो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ मैं जिले का। तो ये सच्चाई तो देखो आपको पता लगेगी खदरी गांव में जाके। मैंने उसमें देखा था, पीछे एक वीडियो आ रही थी, उसमें गंदगी के ढेर भी दिखा रहे थे और भी गलियां भी नहीं बनी। देखो छोटे मोटे काम, एक हमारे बहन कुमारी शैलजा जी की वजह से फंड मंजूर होया था अल्पसंख्यक मंत्रालय से PHC का, उसकी बिल्डिंग बनी है, वो भी हमारे टाइम में मंजूर हो गई थी, 13-14 का फंड है। ये सच्चाई है, कोई भी RTI के तहत ADC ऑफिस से रिकॉर्ड निकलवा सकता है। तो बहन कुमारी शैलजा जी की बदौलत PHC बनी है, तो उस पर भी अपना ठप्पा लगाना चाहते हैं भी हमने बनवाया है, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। ये 13-14 का फंड था, अल्पसंख्यक मंत्रालय से था, ADC ऑफिस में रिकॉर्ड है, बहन कुमारी शैलजा जी की बदौलत ये मंजूर हुआ था। काम मारे यहाँ सड़कों के मारे देख लो हालात, जितनी भी सड़क पहले बनी थी शैलजा के टाइम में उतनी में सारी सड़क टूटी पड़ी। वह जो उनसी सड़क पर ट्रैफिक नहीं है उस पर जो ठीक हो अनिवार्य सारी सड़क खराब हुई पड़ी जी। मारे तो गाँव में हम तो देख नहीं रहा कहीं, एक वो तो बनवाया जी यहाँ क्या बरात घर सा, यूं पता नहीं उसे बनवाया। बाकी जहाँ तक सुनने की बात है, मैं भी गया हूँ वहाँ, गलियों की भी कोई अच्छी हालत नहीं है, तो स्पेशल नई गली कोई एक दो बनी हो तो कोई बड़ी बात नहीं, गलियां बनाना एक रूटीन की बात है। स्पेशलिटी क्या है, स्पेशल क्या किया आपने गोद लिए गांव के लिए, मेन बात तो ये मैंने रखती है। मुझे वहाँ कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई कि जिससे लगे कि भी हाँ गांव में कुछ स्पेशल हुआ है। अम्बाला से एक बार फिर रतनलाल कटारिया को उतारने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि सांसद कटारिया ने अपने कार्यकाल में, यहाँ पहले भी डेवलपमेंट काफी हुई है क्योंकि यहाँ खदरी काफी गांव पड़ा, 3000 वोट का गांव है ये, काफी गवर्नमेंट ने पहले पैसे दिए, जो पहली सरकार रही उसमें भी रहे। रही कटारिया साहब की बात, वो मतलब एक्चुअली उनके उनके कोई खास योगदान नहीं रहा इसके काम के बारे में। बाकी यहाँ पर पंचायत के सरपंच रहे या और लोग रहे, उन्होंने काफी काम कराए, यहाँ काफी काम हो गए, कुछ थोड़ा बहुत कमी सभी तो रही जाती है, लेकिन कटारे साहब का कोई खास योगदान नहीं रहा इस पंचायत के बारे में। बस 10 मत दो लगा लो, 4 या 5 नंबर मिलेंगे जोर ला के, बस अब 10 मत होंगे 0%, बस एक ही नंबर है जी, बस 5 नंबर मान के चलो, या 2 10 मत एक नंबर मिल सका जी उसको। हॉस्पिटल तो बढ़िया जी, पर यूं कह रहे जी वो तो शैलजा का पैसा था, उस टाइम जमीन पर झगड़ा चल रहा था। चल रहा हॉस्पिटल? हॉस्पिटल नहीं चलिया नहीं जी, बन गया, तैयार हो गया, तैयार हो गया। डेरा जंगल से बाहर हैं, हम पड़े हैं लगते इसी पंचायत में, हमारे वहाँ तो बिजली 5 साल हो गए खंभे आए हुए हैं, अब तक बिजली का कोई समस्या नहीं हुई। और जो कह तू जब भी जाते हैं जब भी कह देते हैं, बोले कोई बात नहीं हम करेंगे, आज तक तो मसला हल नहीं हुआ, आगे क्या होगा। एक भी काम, बड़ा काम, एक भी काम इनके पास बताने के लिए नहीं है जो इन्होंने किया। गलियां नालियां एक रूटीन के काम है, हमारा पैसा है वो घूम के वापस हमारे पास ही लगना है। MP MLA सिर्फ इसकी देख रेख के लिए मैनेज करने के लिए होते हैं, भी सही मैनेज हो, अपनी जेब से कोई नहीं लगाता, कोई नहीं होता जी, कुछ भी नहीं होता। यू तो गलियां गुलियां सी पहले है बनी, कभी कधार हो जा गलियां भी, नालियां भी कभी कधार हो जा, साफ बननी है, बिक्री पड़ी रहे। वो कहते हैं मैंने 7.5 करोड़ रुपए के विकास कहां लगा दिए, वो 12 पड़ा 2 साल है खराब, स्कूल पे हमारे 12 खदरी के नाम से वो इकरी पड़ा बंद। अम्बाला से एक बार फिर रतनलाल कटारिया को उतारने का ऐलान किया। हॉस्पिटल तो बढ़िया जी, पर यूं कह रहे जी वो तो शैलजा का पैसा था, उस टाइम जमीन पर झगड़ा चल रहा था। आज लोग बहन कुमारी शैलजा जी के विकास कार्यों को याद करते हैं, ये झूठ बोल के उसका प्रोपोगंडा कुछ ही कर ले, या पुराने पैसे को अपना बताते रहे, इनका पूछो कुछ जवाब कुछ और देते हैं। अम्बाला से एक बार फिर रतनलाल कटारिया को उतारने का ऐलान किया है। कुछ भी थिंक टैंक है इनके पास बड़े बड़े, कहीं भी झूठ बोलते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंस से बड़ा भी हाँ ये तो काम करेंगे। अब मान लो 2-3 महीने पहले क्या जरूरत थी कहने की भी हम सरकार की तरफ से वाटर ट्रीटमेंट लगा के इंडस्ट्री वाले को सहूलियत देंगे, और 2 महीने बाद इलेक्शन खत्म होया
तो ये फलानी कंपनी बनाएगी। मैं तो एक दिन कहा बल्कि भी सरकार ने कौन सी कंपनी को ठेका दिया व्यापारियों को लूटने का, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, खुद बनाओ, खुद उसको पानी को साफ करो, लोगों की सहूलियत के लिए व्यापारी आदमी है, उनको आप गुमराह कर रहे हो, तो गरीब आदमी और जिम्मेदार के साथ आप क्या करोगे। इनका तो सब ड्रामा है, ये तो लोगों ने पूछ लो, मेरे से क्या पूछो, पढ़े पढ़े ना गोद लें, सब कुछ यहाँ ज़्यादातर काम ही रहता, थोड़ा बहुत काम रह रहा था, वो भी नहीं होया। बदलाव तो बस जो पूछा मैं दिक्कत नहीं, जैसा कुछ बदलाव जो भी हो रहा बस ये तो गांव में पहले से है, अभी जैसा भी होया जी। जो भी नुमाइंदा चुना जाता है उसकी ड्यूटी बनती है वे लोगों के मूलभूत सुविधाएं हैं जो उनका ध्यान रखे, पढ़ाई की बात है, खेल कूद की बात है, बिजली की बात है, पानी की बात है, सफाई की बात है, ये बातें जरूरी हैं। लोगों ने बड़ी उम्मीद थी इस सरकार से थी, एमपी यहाँ से बड़े चौ से बनाया, एमएलए यहाँ से जो स्पीकर साहब हैं वो भी बड़े चौ से बनाए, लोगों ने बड़ी उम्मीदें थी, पर उम्मीदों पर ना उतर का है, सड़कों का हाल देख लो क्या होया पड़ा, जब से हमने सड़क बनवाई थी उसके बाद इसमें मट्टी की टोकरी नहीं गिरी आज तक, तो आपके सामने है सारा कुछ, बस इन्हें तो ऐसा ट्रेनिंग दे कहीं झूठ की, और बस झूठ में लोग अपना यकीन कर लें और फिर उसके बाद पछतावा बाद में, लेकिन हमारे से गलती है कि हमारे से धोखा है गया, फलाना है गया, भाई पहले ही नहीं सोचते लोग भाई कौन आदमी कैसा है, क्या क्या कर सका है, क्या उसने कर रखा, जब लोग उस बात ने ही नहीं सोचते फिर तो फिर नेताओं ने तो ऐसा करने। 2004 से यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बनी, 4 में बनी, 9 में बनी, फिर राज्यसभा में होने के बाद भी, राज्यसभा से एमपी होने के बाद भी हमेशा अपने लोगों के बीच में रही, कभी जमुनानगर, कभी जगाधरी, कभी पंचकुला, कभी कालकंद, रैनगढ़, अंबाला, फिर अंबाला कोठी है उनकी, आए हफ्ते कोई भी वर्कर मिले जाके, विपक्ष में होने के बाद भी और रूलिंग पार्टी में रहते हुए आपने देखा है। अंबाला से एक बार फिर रतनलाल कटारिया को उतारने का ऐलान किया जी, मैं तो 5-4 फेरी सुने जी, साल में एक दो बार आ सकते हैं, वैसे तो एक ही बार है जी, बस एक बार है जी हमारे यहाँ तो, एक बार फिर रतनलाल कटारिया को उतारने का ऐलान किया है। साल में आ गया कभी ब्याह शादी में आ गया किसी के, बाकी पर्सनली उनके एक दो शादी शुद्धि में आते हैं बस।